Don't forget to subscribe, like and share. Assalamualaikum. Welcome to Mrs. Pasha's Kitchen. आज हमारे किचन में जो डिश बनने जा रही है वो है बीफ कढ़ाई. तो चलिए मैं इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ आपको. एक किलो मेरे पास बीफ है. इसको मैंने सिरका लगा के रखा हुआ था और उसके बाद मैंने इसको गर्म पानी से एक बॉयल दे के इसको स्ट्रेन कर लिया है. इससे ये होता है कि बीफ की एक हमक होती है गोश्त में जो अक्सर लोगों को नहीं पसंद होती, तो ऐसा करने से उसकी जो हमक होती है वो निकल जाती है. यही तरीका अगर आप कुर्बानी के गोश्त में भी करें, जिसमें भी एक स्पेशल किस्म की स्मेल होती है कुर्बानी के गोश्त में, वो भी बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती, उस वजह से बहुत से लोग गोश्त नहीं भी खाते, उसको भी अगर आप यही चीज़ करेंगे, सिरका लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख लें, उसके बाद उबलते हुए पानी के अंदर गोश्त डाल के ऊपर एक मैल सी आती है उसको निकाल लें और फिर उसके बाद गोश्त को स्टेन कर लें. आप जब पकाएंगे तो उसमें बिल्कुल भी हमक नहीं होगी, आप ऐसे लगेगा जैसे आप आम गोश्त पका रहे हैं. 3 पाव हमारे पास टमाटर हैं, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया. 1/2 कप दही है. 3 टेबलस्पून मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है. हसबे जायका लाल मिर्च, हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काले मिर्च ऑयल पकाने के लिए. इसके अलावा जूलियन कट अदरक है, हरी मिर्चें हैं और धनिया है, ये गार्निशिंग के लिए है. चले आए अपनी डिश तैयार करते हैं. प्रेशर कुकर में गोश्त डालें, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही के अंदर सारे मसाले मिक्स करके वो डाल दें. अगर आप इसी तरह इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर आप चिकन कढ़ाई बनाना चाहते हैं, मटन कढ़ाई बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप बना सकते हैं. बस चिकन के अंदर आपको अब इसमें प्रेशर नहीं लगाना और थोड़ा सा पानी डाल दें. गोश्त को तकरीबन 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगा लें. ये देखिए व्यूअर्स, मैं गोश्त का प्रेशर लग गया है, इसका पानी भी खुश्क हो रहा है. अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल. 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डालना है और इसको भून लेना है. ये देखिए हमारा पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा गोश्त भी भुना गया. अब इसको हम चूल्हे से उतार लेते हैं. दूसरे पैन में घी गरम कीजिए 2 टेबलस्पून और उसमें ये टमाटर डाल दीजिए. इनको हल्की आग पर ढक दीजिए और नरम होने तक पका लीजिए. हमारे टमाटर नरम हो गए हैं, अब इसके अंदर जो हमने गोश्त भुना था वो हम डाल देंगे. और इसको हल्की आग पे दम पे रख देंगे जब तक जो है इसका घी ऊपर ना हो जाए. देखिए व्यूअर्स, मेरा घी ऊपर आना शुरू हो गया. अब इसको भूनते वक्त जो हमने जूलियन कट अदरक डाला काटा था वो हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे. थोड़ा सा आप डिश के ऊपर डाल लेंगे, रख दीजिए, बाकी आप इसमें डाल के इसको अच्छी तरह भून लीजिए. हमारी बीफ फ्राई रेडी है. गर्मा गर्म रोटियों के साथ, नान के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए. मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें. अल्लाह हाफिज़.